एंड मारुति सुजुकी ने पहले लॉन्च किया था सेलेरियो पेट्रोल वर्जन एंड अब उन्होंने लॉन्च किया सेलेरियो डीजल वर्जन. सो लेट्स सी द कार. मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है. स्टीयरिंग पे ये है ऑडियो कंट्रोल्स एंड ये है फोन कंट्रोल्स. ये ब्लूटूथ का है एंड ये है फोन ऑन एंड फोन ऑफ. एंड ये जो ऑडियो कंट्रोल्स हैं इसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन का ये है एंड ये म्यूट बटन एंड ये मोड का चेंज करने का लाइक रेडियो एंड ऑल. एंड ये है चैनल चेंज का. एसी वेंट्स के नीचे ही एम्बेडेड म्यूजिक सिस्टम है एंड इसके नीचे ही एसी कंट्रोल्स हैं. एंड ये है चार्जर पॉइंट this one and ye USB port and ye auxiliary. Bahut stylish gear knob hai and isme do cup holders bhi hain and ye handbrake isme hai. Electrical adjustable ORDM controls. Child lock and ये है window lock and ये window controllers. ये front window controllers and ये back ones. देखते हैं car का ignition meter. ये है tachometer जो RPM बताता है. ये है speedometer, ये speed indicate करता है and fuel indicator जो fuel का बताता है. अब हम हैं car की back seat पर. यहाँ पे 3 bells हैं. एक है right वाले के लिए, एक है center वाले के लिए and एक left वाले के लिए. ये बैक से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा लेग स्पेस नहीं है. अगर कार की थोड़ी सीट पीछे हो जाए तो ज्यादा कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे. यहाँ पर ना ही रूफ लैंप है एंड ना ही रीडिंग लाइट है तो किसी को अगर पीछे पढ़ना हो तो वो पढ़ नहीं पाएगा. ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए फ्यूल एफिशिएंट कार है एंड इज ऑल्सो पॉकेट फ्रेंडली.
इस एंट्री के लिए इसमें रिमोट कंट्रोल सेंटर लॉकिंग की है। मैं आपको बताती हूँ इसके इंजन के बारे में। इक्विप्ड 798 सीसी का DDIS डीजल इंजन। थिंग अबाउट दिस कार इज दैट इट इज इक्विप्ड विद टू सिलेंडर इंजन। कार की कॉस्ट है 4.77 लाख से लेकर 5.82 लाख तक। चलो मैं आपको लेके चलती हूँ कार की टेस्ट ड्राइव पर। कार चलाने में है कंफर्टेबल। कार मैन्यूवर करने में इजी है। डीजल इंजन होते हुए भी इसकी पिकअप अच्छी है। कार ड्राइव करने में बहुत है कंफर्टेबल एंड बहुत मजा आता है इसको ड्राइव करने में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल न्यूज़ टुडे लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।